नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इजी वे टू लर्न पर। बच्चों, आज का सेशन हम स्पेशल एस्टेट कैंडिडेट्स के लिए लेके आए हैं, क्योंकि एस्टेट के एग्जाम में अब की बार रीजनिंग का पार्ट भी ऐड कर दिया गया, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपका एग्जाम क्लियर करने में। और रीजनिंग का हर एक क्वेश्चन, हर एक टाइप हम यहाँ पर करवाएंगे। जितने टाइप यहाँ पर करवाए जाएंगे, उन टाइप में से कोशिश रहेगी कि 10 के 10 क्वेश्चन उन्हीं टाइप से हो। तो सबसे पहले तो बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्रिप्शन के साथ साथ जो एक बेल आइकन होगा आपके फोन में, उसे जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि जैसे ही हम हमारी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे तो वो आप तक आसानी से पहुंच पाएगी और आप आसानी से 10 क्वेश्चन मात्र 5 से 6 मिनट में आराम से कर पाएंगे। तो यहां पर देखिए, हम लेके आए हैं क्वेश्चंस बेस्ड ऑन अल्फाबेट, वर्णमाला पर आधारित हम कुछ क्वेश्चन, उनके कुछ टाइप लेके आए हैं। और इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन होंगे, वो सारे के सारे नंबरिंग पर या रिवर्स बेस पर होते हैं। तो सबसे पहले तो हमने जो 2 वीडियो अपलोड की थी अल्फाबेट की, नंबरिंग की, तो सबसे पहले तो बच्चों उनको फॉलो कीजिए, उसके बाद इन क्वेश्चन को देखिए और बार बार इन क्वेश्चन को देखिए, क्योंकि मैं यहां पर आपको कम से कम 7 से 8 ही टाइप करवाऊंगा और इस बात की मेरी गारंटी है कि उन 7 या 8 टाइप से ही आपके क्वेश्चन, आपके पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो बात करते हैं पहले टाइप की। इन ए सर्टेन कोड बास्केट इज रिटन एज DCUMGV। बास्केट एक वर्ड था, उसको कोड दे दिया गया DCUMGV। ये आपको एग्जाम में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ये हमने यहां पर अलग से लिख दिया ताकि हम आसानी से आपको समझा पाए। और उसी कोड लैंग्वेज में पॉकेट का कोड हमसे पूछ लिया गया। तो देखिए बच्चों, ये साथ साथ मैंने नंबरिंग लिख दी, लेकिन यदि आपको नंबरिंग याद है तो इनको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। यहां पर B2 पर था और D4 पर, 2 से 4 पर गए तो क्या किया, +2 किया। फिर A1 पर और C3 पर, यहां भी +2 का इंक्रीमेंट हुआ। यहां S19 और U21, 2 का इंक्रीमेंट यहां। और इसी प्रकार यदि देखा जाए तो प्रत्येक अल्फाबेट में दो दो का इंक्रीमेंट हुआ, मतलब कि जो शब्द हमें दिया गया था उसमें दो दो शब्द बढ़ाकर और ये नीचे एक कोड तैयार कर दिया गया। और इसी पैटर्न पर हम बताएंगे कि पॉकेट का कोड क्या होगा। अब हमें पॉकेट का कोड बताना है, और हम ये नहीं कि पॉकेट के सारे अल्फाबेट हम फाइंड आउट करेंगे, इसका सारा का सारा कोड हम फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता। तो मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे ये क्वेश्चन आपका 2 से 3 सेकंड का हो जाएगा। यहां पर हमें पता है कि हर एक अल्फाबेट में +2 किया गया, तो P16, O15, C3, K11, E5 और T20, ये नंबरिंग आप हमारे लास्ट जो हमने पार्ट अपलोड किया था उसमें आसानी से सीख सकते हैं। तो हमें +2 करना है हर एक अल्फाबेट में, और 16 +2 करूंगा मैं तो हो जाएगा 18, और 18 पर होता है R। अब केवल पहले अल्फाबेट से हम ऑप्शन पे चलेंगे। R यदि हम देखें तो D या C में तो R है, लेकिन B और A ऑप्शन में R से शुरुआत नहीं होती, तो ये दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। फिर हम आए T पर, फर्स्ट हमने मैच कर लिया। यहां पर यदि देखा जाए तो देखिए RQRQE, यहां तक ये 3 लेटर सेम थे, अगर हम 3 को मैच करते तो ज्यादा टाइम लगता। फिर हम क्या करेंगे, लास्ट को चेक करेंगे, यदि लास्ट दोनों लेटर अलग अलग हैं तो हम यहां से लास्ट के लेटर का कोड निकालेंगे, 20 +2 करेंगे तो 22 होगा, और 22 पर क्या होगा, V। और V यदि देखा जाए तो केवल C ऑप्शन में है, तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट हम क्वेश्चन का आंसर देंगे C। चलिए बच्चों, टाइप 1 का ही दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। इससे पहले क्वेश्चन में हमने ऑपरेशन लगाया था +2 का। अब ये जरूरी नहीं कि हर बार +2 करके आए, +3, +5, +9 कुछ भी आ सकता है। इस क्वेश्चन को यदि हम देखें, एक्सप्लेन एक वर्ड दिया गया और इसका कोड दिया गया ये, और हमसे पूछा गया GYM, जिम का कोड क्या होगा। तो यहां पर देखिए, नंबरिंग हमने की ये 5 और 2, 5 और 2 पर जाते ही हमारे माइंड में आया कि -3 हुआ।
अब हम चेक करते हैं कि हर जगह माइनस थ्री हुआ, 24, 21, माइनस थ्री, 16, 13, माइनस थ्री, 14, 11, माइनस थ्री, मतलब कि हर एक अल्फाबेट में क्या हुआ, माइनस थ्री हुआ। अब हमसे पूछा गया जी वाई एम का कोड, और हमें पता है कि जी सेवन पर होता है, सेवन माइनस थ्री करेंगे तो क्या होगा, फोर, और फोर पर क्या होता है, डी, और यहां पर आते ही फिर वही एलिमिनेशन टेक्निक यूज करेंगे, देखा जाए तो डी केवल सी ऑप्शन में, तो हमारा आंसर होगा सी। चलिए बच्चों, इस टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें। दिया गया इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज मास्टर इज रिटन एज 682145 और दिया गया स्टैम्प इज रिटन एज 21869, देन हाउ इज पेस्ट रिटन इन दैट लैंग्वेज। अब कई बार क्या होता है जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो माइंड कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी है, इसमें तो हमें कुछ भी नहीं करना होता। यहां पर देखिए, ये कभी भी हो सकता है किसी भी शब्द को न्यूमेरिक वैल्यू दे दे या फिर किसी भी शब्द को सिंबल्स दे दे, तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। वहां पर दिया गया हमें मास्टर, मास्टर, और मास्टर का कोड क्या दिया गया, 68215। अब यहां पर कोड फिक्स कर दिए गए कि M के लिए 6, A के लिए 8, S के लिए 2, T के लिए 1, E के लिए 4 और R के लिए 5 यूज होगा। और इसी प्रकार क्या दिया गया, हमें दिया गया स्टैम्प S T A M P, स्टैम्प के लिए फिर हमें कोड दिया गया 21869, यहां पर S T A M P, उसी प्रकार कोड फिक्स कर दिए गए। यदि चेक करें हम तो S का, यदि यहां पर कोड जो दिया गया था 2, तो S का कोड यहां भी क्या मिलेगा, हमें 2 ही मिलेगा। T का कोड 1 दिया गया था, तो T का कोड यहां पर भी हमें क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। और फिर जो क्वेश्चन में हमसे शब्द पूछा गया पेस्ट, पी ए एस टी ई, अब सबसे खास बात क्या होती है कि ये जो क्वेश्चन में पूछा गया ये शब्द इन्हीं अल्फाबेट से मिलकर बनेगा, और पी का कोड हमारे पास गिवन था 9, तो पी का कोड क्या बनेगा बच्चों, 9, और यहां पर आते ही हमारे दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, सी और ए। अब देखिए 9 के बाद यहां पर 5 है, 9 के बाद 8 है, तो ए का कोड हम देखेंगे, ए का कोड यहां पर भी 8 है, ए का कोड यहां पर भी 8 है, तो ए का कोड क्या होगा, 8, और इतना देखते ही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा बी। चलिए बच्चों, टाइप 2 पर आए। टाइप 2 पर हमें क्वेश्चन दिया गया, फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव वर्ड्स Select the word which cannot be formed using the letters of the given word. यदि इसका हिंदी अनुवाद देखें तो होगा कि नीचे दिए गए शब्द में प्रयोग किए गए वर्णों से, अक्षरों से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, तो सबसे पहले तो क्वेश्चन पर फोकस रखना जरूरी है कि क्या पूछा गया, कि कौन सा शब्द बनाया जा सकता है या कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, विच कैन बी फॉर्म्ड और विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड, दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता था। यहां पर पूछा गया विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड। अब यहां पर एक बात चाहे लिखी हो चाहे ना लिखी हो वो अंडरस्टूड होती है, वो क्या है कि इस शब्द, ये हमारा जो शब्द है वो स्टेटमेंट का है, इस शब्द में प्रयोग किए गए अल्फाबेट्स का केवल एक ही बार यूज करना होता है। कई बार क्वेश्चन में ये बात मेंशन होती है और कई बार मेंशन नहीं होती, तो हम यहां पर यदि आई एक बार यूज हुआ है तो उसे एक ही बार यूज करेंगे, दोबारा उसे यूज नहीं कर सकते। अब देखिए, हमें दिया गया डायनामाइट, इस शब्द में प्रयोग किए गए अक्षरों से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। यदि मैं बात करूं ऑप्शन ए की, ई एन एम आई टी वाई, तो ई ये रहा, एन ये रहा, एम आई आई भी है, फिर एम, एम को देखे एम भी है, टी भी है और
वाई भी है। ये शब्द तो बनाया जा सकता है, और बनाया जा सकता है तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि पूछा गया था कि कौन सा नहीं बनाया जा सकता। फिर बी ऑप्शन पर आए हम, दिया गया एनी टाइम। एनी टाइम में ए है, एन है, वाई है, टी आई एम ई, एनी टाइम, तो इससे बनाया जा सकता है तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। बात करें ऑप्शन सी की, नेम्स, एन ए एम ई एस, तो देखिए एन ए एम ई भी है, लेकिन यदि इसमें देखा जाए तो एस जो एक अल्फाबेट यूज किया गया नेम्स में, वो एस इसमें नहीं था, तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा कि नेम्स इस शब्द में प्रयोग किए गए अक्षरों द्वारा नहीं बनाया जा सकता। चलिए बच्चों, टाइप टू का दूसरा क्वेश्चन हम देखें। इससे पहले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था कि एक शब्द दिया हुआ मिलेगा और पूछा जाएगा कि कौन सा शब्द इस शब्द में प्रयोग किए गए अक्षरों के प्रयोग से नहीं बनाया जा सकता, लेकिन यहां पर बिल्कुल उसका विपरीत पूछ लिया गया कि फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव वर्ड सेलेक्ट द वर्ड विच कैन बी। अब देखिए यहां पर कैन के साथ नोट का यूज नहीं हुआ, पिछले क्वेश्चन में कैन नोट था, अब यहां पर है कि कौन सा शब्द इस शब्द में प्रयोग किए गए अक्षरों से बनाया जा सकता है। तो बात करें हम ऑप्शन ए की, राइजेस, आर आई एस ई एस, आर है, आई है, एस है, ई है, फिर दोबारा से एस आया, तो हम कई बार सोचते हैं कि इस एस को उठाकर दोबारा रख दें, ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि देखिए इसमें एस एक ही बार यूज हुआ था, वो एस यहां पर आ चुका, अब जो यहां पर आ चुका तो फिर उसको उठा के हम आगे नहीं रख सकते, क्योंकि ये एस बनाने के लिए हमें एक और एस इसमें से चाहिए था, तो ये नहीं बनाया जा सकता, तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता। फिर बोला गया रेटिना, आर ई टी आई एन ए, रेटिना प्रेसिडेंट। अब देखिए प्रोनंसिएशन से ही रेटिना, आ की आवाज आई, ए की आवाज आई, लेकिन प्रेसिडेंट में ए की आवाज नहीं आएगी, तो ये ए बाहर का वर्ड आया, तो ये भी नहीं बनाया जा सकता। फिर बोला गया प्राउड, और यहां पर फिर से प्रोनंसिएशन यदि हम करें, प्रेसिडेंट, प्राउड, ओ की आवाज आ रही है, तो ओ यहां पर नहीं है, तो ये भी नहीं बनेगा। फिर बोला गया प्राइड, पी आर आई डी ई, तो देखिए यहां पर पी है, आर है, आई है, डी है और ई है, और वैसे भी जब तीन ऑप्शन गलत हो जाए तो चौथे ऑप्शन को बनाने की जरूरत नहीं, वो अपने आप में आंसर होगा, तो हमारा आंसर होगा डी। चलिए बच्चों थर्ड टाइप देखते हैं। थर्ड टाइप जो बनेगा हमारा वो सीरीज से बनेगा। सीरीज में क्या होता है कि एक पैटर्न हमें दिया होता है और आगे एक मिसिंग प्लेस दिया जाता है, और उस स्थान पर हमसे पूछा जाता है कि इस पैटर्न को फॉलो करते करते क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा विकल्प आएगा। तो यहां पर फिर से नंबरिंग बहुत ज्यादा मायने रखती है। नंबरिंग यदि करें तो आर 18, एम 13, आई 9, एफ 6 और डी 4। अब ये जैसे ही नंबरिंग हमने की तो नंबरिंग से हम क्वेश्चन का आंसर तुरंत बता सकते हैं। यहां से यदि हम वापिस चलें, देखिए सीरीज में यहां से यहां पर हमें पहुंचना है, तो हम 18 से शुरू करेंगे, 18 से 13 पर गए तो हमें पता है कि माइनस 5 करना पड़ेगा, फिर 13 से 9 पर अगर जाएं तो माइनस 4 करना पड़ेगा, फिर माइनस 3 करना पड़ेगा, और 6 से 4 पर माइनस 2 करना पड़ेगा। अब जो ये सीरीज थी माइनस 5, माइनस 4, माइनस 3, माइनस 2, अब बारी किसकी आएगी, माइनस 1 की, और माइनस 1 हम किस में से करेंगे, डी से करेंगे, और डी से माइनस 1 करेंगे तो 4 में से माइनस 1 होगा 3 पर, और 3 पर क्या होगा बच्चों, सी होगा, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा सी, ऑप्शन बी। आइए बच्चों सीरीज का एक क्वेश्चन और हम देखें, क्योंकि सीरीज से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, कोई भी नहीं रोक सकता, तो सीरीज जितनी भी बनेगी हम सारी सीरीज आपको करवाएंगे। सीरीज जब भी आए, हो सकता है कि एक अल्फाबेट की सीरीज आ जाए, हो सकता है दो अल्फाबेट की आ जाए, हो सकता है तीन अल्फाबेट की आ जाए, और ये भी हो सकता है कि अल्फाबेट के साथ साथ नंबर भी दे दे, तो उसे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज बोलते हैं।
जब भी सीरीज का पार्ट आए तो फर्स्ट लेटर पर फोकस करेंगे। और देखिए आज मैं आपको नंबरिंग की अहमियत बताऊंगा कि नंबरिंग की अहमियत क्या होती है। यहां पर देखिए D4 पर, H8 पर, L12 पर और P16 पर क्या किया गया, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 की सीरीज चली तो 16 प्लस 4 क्या होगा, 20 होगा। यदि प्लस 4 करें 16 में तो 20, और 20th अल्फाबेट यदि हमें नंबर पता है तो फर्स्ट लेटर क्या आएगा, टी आएगा, और जैसे ही टी आया हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया बी। चलिए बच्चों सीरीज के नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। दिया गया AZ CX EV और GT, हमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा। तो ये नंबर से भी होने वाली सीरीज है, लेकिन साथ ही साथ नंबरिंग के साथ आपको जब नंबरिंग करवाई थी तो सेकंड पार्ट में हमने रिवर्स केस की नंबरिंग बताई थी और उस नंबरिंग का यहां पर आकर यूज होगा। यहां पर देखिए A to Z बॉय को छोड़ दिया, क्रैक्स ड्यू को छोड़ दिया, इवेल्युएशन फुल बटा फुल को छोड़ा, जीटी रोड, अब किसको छोड़ेंगे, हाई स्कूल को, तो आगे आएगा इंडियन रेलवे। यदि हमें रिवर्स केस याद है तो हम इस तरीके से बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं, लेकिन आंसर देते हुए जल्दबाजी ना करें। यहां पर आंसर होगा आई आर, लेकिन बी ऑप्शन में आर आई भी दिया गया जो कि गलत होगा, तो हमारा आंसर बनेगा सी। चलिए बच्चों सीरीज में नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखें। यहां पर अब की बार क्या किया गया कि अल्फाबेट के साथ साथ हमें नंबर भी दे दिए गए। इसे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज बोला जाता है और ये भी बहुत बार एग्जाम में आ चुकी। यहां पर हम क्या करेंगे, नंबर की अलग सीरीज बना लेंगे और अल्फाबेट की अलग सीरीज बना लेंगे, बाकी क्वेश्चन एज इट इज है, बाकी सारा खेल जो है वो नंबरिंग का है। यहां पर हम देखें D4 पर, H8 पर, L12 पर और P16 पर, तो जो फर्स्ट अल्फाबेट था उसमें क्या हुआ, प्लस 4 होता गया, प्लस 4 हुआ, प्लस 4 हुआ, और फिर आगे भी क्या होगा, प्लस 4 होगा, और 16 प्लस 4 20, और 20 पर टी होता है, लेकिन टी यहां भी है और यहां पर भी। फिर हम बात करें यदि नंबर की, नंबर देखिए ये था 9 और ये था 16, ये था 25। अब यदि 9 से 16 जाए तो प्लस 7, 16 से 25 जाए तो प्लस 9, और 25 से 36 जाए तो प्लस 11। अब देखिए जो नंबरिंग की सीरीज थी वो क्या थी, 7 9 11, तो सीधी सी बात है कि आगे दो दो का गैप देंगे 13 होगा, और प्लस 13 करेंगे तो क्या होगा लास्ट बीच में 49। अब टी और 49 ऑप्शन ए में है। अब देखिए बच्चों हमने यहां पर 9 16 25 में प्लस किया, लेकिन यदि हमें स्क्वेयर याद है तो ये 9 जो है वो 3 का स्क्वेयर है, 16 जो है वो 4 का स्क्वेयर है, 25 5 का स्क्वेयर, और 36 6 का स्क्वेयर, तो यहां पर स्क्वेयर भी हम कर सकते थे 3 4 5 6, और बारी आएगी 7 के स्क्वेयर की, तो 7 का स्क्वेयर क्या होगा, 49 होगा, तो बीच में हमें मिलेगा 49। यदि देखा जाए तो केवल ऑप्शन ए में ही 49 था, तो हमारा आंसर होगा ए। चलिए बच्चों टाइप फोर्थ देखते हैं हम अल्फाबेट का, और फोर्थ टाइप में क्या दिया गया, फाइंड द ओड वन। ओड वन का अर्थ है कि दिए गए विकल्पों में से एक विषम जो विकल्प है वो छांटिए, या फिर दिए गए विकल्पों में तीन किसी ना किसी प्रकार एक समूह में आते हैं, ऐसा कौन सा विकल्प है जो उस समूह में नहीं आता। अब देखिए जिसको नंबरिंग याद है वो तो देखते ही क्वेश्चन का आंसर कर देगा, लेकिन इस टाइप को हम समझेंगे कि कैसे होगा। यहां पर दिया गया डी, फिर दिया गया एफ, और फिर दिया गया एच, फिर दिया गया के, दूसरे ऑप्शन में एम और ओ, फिर क्यू, फिर है हमारे पास टी, और फिर है डब्ल्यू, और डी ऑप्शन में है एस यू और डब्ल्यू।
अब देखिए बच्चों, ये सारा जो है नंबरिंग का ही खेल है। यदि यहां पर हम नंबरिंग करें तो ये 4, ये 6, ये 8, मतलब कि +2 यहां हुआ, +2 यहां हुआ, फिर 11, 13, 15, मतलब कि +2 और +2। अब ये दोनों तो सेम पैटर्न पर आ गए, तो इनमें से तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा नहीं। फिर आए क्या, 17, ये 20 और ये 23। यहां पर 17 से 20 गए तो +3 और 20 से 23 गए तो +3। अब कभी भी फाइंड ओड वन में यदि दो ऑप्शन एक जैसे मिल जाए और तीसरा ऑप्शन उनसे अलग मिल जाए तो चौथा ऑप्शन अपने आप इन दो पैटर्न पर आधारित होता है। क्यों? क्योंकि ये इन दोनों से अलग आ गया। यदि यहां पर हम चेक करते, ये 19, ये 21, ये 23, यहां +2 और +2 की सीरीज अप्लाई होगी, तभी तो ये एक ऑप्शन बाकी अन्य से अलग होगा। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा बच्चों? सी। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द ऑड वन का। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने जब क्वेश्चन किया था तो वो नंबरिंग पर बेस्ड था। अब ये भी हो सकता है नंबरिंग पे बेस्ड हो, लेकिन अल्फाबेट में आप नंबरिंग के साथ साथ रिवर्स केस को हमेशा साथ लेके चलेंगे। और एक तीसरी चीज है वोवल्स। वोवल्स को कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि वोवल्स एक ऐसी चीज है जिससे आपको एग्जामिनर कहीं भी फंसा सकता है, क्योंकि वोवल्स जो है हम माइंड में ज्यादा रखते नहीं, केवल नंबरिंग और रिवर्स केस हमारे माइंड में रहता है। और एक माइनर सा एरर देके, एक माइनर सा क्वेश्चन देके वोवल्स पे आपको कहीं भी अटका सकता है। तो ये जो क्वेश्चन है, यहां पर यदि देखा जाए तो ये सारे ही क्या है, कॉन्सोनेंट्स है, वोवल इनमें है ही नहीं। अब यदि देखा जाए नंबरिंग करेंगे हम तो नंबरिंग में गैप सब में अलग अलग डिफरेंस आएगा, लेकिन यदि हमें रिवर्स केस याद है, रिवर्स केस याद है तो देखिए बच्चों, जीटी रोड हमें रिवर्स केस हमने किए थे, रिवर्स केस की एक पूरी वीडियो आप तक भेजी है, उस वीडियो को जरूर देखें। सेकंड पार्ट जो नंबरिंग का है अल्फाबेट की, उसमें पूरा का पूरा रिवर्स केस पूरा डिटेल में बताया गया है। और जैसे ही आप ये देखोगे तो आपके माइंड में आ जाएगा कि हाँ, हमने रिवर्स केस सीखा था, और ये तो जीटी रोड है, ये जेब कतरे है, ये हाई स्कूल है, लेकिन ये आर एस क्या बना, आर और एस एक दूसरे के रिवर्स में नहीं है, क्योंकि आर के रिवर्स में आई और एस के रिवर्स में एच होता है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा बच्चों? ए। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द ऑड वन का। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने जब क्वेश्चन किया था तो वो नंबरिंग पर बेस्ड था। अब ये भी हो सकता है नंबरिंग पे बेस्ड हो, लेकिन अल्फाबेट में आप नंबरिंग के साथ साथ रिवर्स केस को हमेशा साथ लेके चलेंगे। और एक तीसरी चीज है वोवल्स। वोवल्स को कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि वोवल्स एक ऐसी चीज है जिससे आपको एग्जामिनर कहीं भी फंसा सकता है, क्योंकि वोवल्स जो है हम माइंड में ज्यादा रखते नहीं, केवल नंबरिंग और रिवर्स केस हमारे माइंड में रहता है। और एक माइनर सा एरर देके, एक माइनर सा क्वेश्चन देके वोवल्स पे आपको कहीं भी अटका सकता है। तो ये जो क्वेश्चन है, यहां पर यदि देखा जाए तो ये सारे ही क्या है, कॉन्सोनेंट्स है, वोवल इनमें है ही नहीं। अब यदि देखा जाए नंबरिंग करेंगे हम तो नंबरिंग में गैप सब में अलग अलग डिफरेंस आएगा, लेकिन यदि हमें रिवर्स केस याद है, रिवर्स केस याद है तो देखिए बच्चों, जीटी रोड हमें रिवर्स केस हमने किए थे, रिवर्स केस की एक पूरी वीडियो आप तक भेजी है, उस वीडियो को जरूर देखें। सेकंड पार्ट जो नंबरिंग का है अल्फाबेट की, उसमें पूरा का पूरा रिवर्स केस पूरा डिटेल में बताया गया है। और जैसे ही आप ये देखोगे तो आपके माइंड में आ जाएगा कि हाँ, हमने रिवर्स केस सीखा था, और ये तो जीटी रोड है, ये जेब कतरे है, ये हाई स्कूल है, लेकिन ये आर एस क्या बना, आर और एस एक दूसरे के रिवर्स में नहीं है, क्योंकि आर के रिवर्स में आई और एस के रिवर्स में एच होता है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा बच्चों? ए। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए, फाइंड द ओड वन का। ये हमारा लास्ट टाइप होगा। इसमें दिया गया एस टी वी। यदि हम नंबरिंग की बात करें, एस एस से टी और टी से वी, यहां पर पी पी से क्यू और क्यू से टी, फिर सी ऑप्शन में हमें दिया गया एच, एच से दिया गया एन और एन से दिया गया एम, और फिर आई, आई से एल और एल से पी दिया गया।
इसमें से हमें विषम को छांटना है। यदि हम नंबरिंग करें S19, T20, V22, P16, Q17, T20, H8, N14 और M13, P16, L12 और I9। अब यहां पर यदि हम देखें, यहां पर क्या किया गया, +1 और यहां पर +2 किया गया, फिर यहां पर +1 किया गया और यहां पर +3 किया गया, फिर +6 किया गया, यहां -1 कर दिया गया और यहां पर +3 किया गया और यहां पर +4 किया गया। कहीं पर भी कोई सिमिलरिटी हमें दिखाई नहीं दी। फिर यदि हम देखें तो कहीं पर भी हमें रिवर्स केस भी नहीं दिखाई दे रहा। तो जब भी नंबरिंग और रिवर्स केस क्वेश्चन में फेल हो जाए, तो मैंने आपको बताया था कि वोवल एक ऐसी चीज है जिसके बेस पर वो आपको कहीं भी एग्जाम में सोचने पर मजबूर कर सकता है। तो यहां पर यदि देखा जाए STV, ये सारे के सारे क्या है, कॉन्सोनेंट है। ये तीनों के तीनों क्या है, कॉन्सोनेंट है। यहां PQT की बात करें, ये भी कॉन्सोनेंट्स, HNM ये भी कॉन्सोनेंट्स, लेकिन यहां I दिया गया जो कि एक वोवल है, तो ये बाकी तीनों से भिन्न हुआ क्योंकि तीनों में कॉन्सोनेंट्स थे और यहां पर एक लेटर वोवल दे दिया गया। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा D। चलिए बच्चों, नेक्स्ट टाइप पर हम चलते हैं। क्वेश्चन बेस्ड ऑन अल्फाबेट्स पर टाइप 5 में हम डिक्शनरी का टाइप देखेंगे और इस टाइप से 95% चांसेस है कि ये क्वेश्चन डेफिनेटली आ जाए। अब यहां पर क्वेश्चन को दो या तीन तरीके से पूछ सकता है। एक तो ये पूछ सकता है कि जैसा इस क्वेश्चन में पूछा गया, अरेंज द गिवन वर्ड्स इन द सीक्वेंस इन विच दे अकर इन द डिक्शनरी, शब्द कोश के क्रमानुसार शब्दों का सही क्रम क्या होगा। एक तो टाइप हो गया ये। दूसरा टाइप क्या है कि ये पूछ सकता है कि शब्द कोश के क्रमानुसार तीसरे स्थान पर कौन सा शब्द होगा, ये भी पूछ सकता था। या फिर एक तरीके से ये पूछ सकता था कि शब्द कोश के क्रमानुसार डिसेंडिंग ऑर्डर में इन शब्दों को लगाइए। तो दो तीन टाइप बनते हैं। यदि एक क्वेश्चन हम कर लें तो हम सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इस एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखेंगे। जब भी डिक्शनरी का क्वेश्चन आए तो अल्फाबेट की नंबरिंग होती है और अल्फाबेट की नंबरिंग में जो छोटा नंबर होगा वो पहले आएगा और जो बड़ा नंबर होगा वो बाद में, मतलब कि असेंडिंग ऑर्डर में चलेंगे, चढ़ते क्रम में चलेंगे। यदि हम देखें फर्स्ट लेटर सभी का, यदि फर्स्ट लेटर अलग अलग होता तो यहीं पर डिसीजन हम ले सकते थे, जो छोटे नंबर का अल्फाबेट होता वो पहले और फिर जो उससे बड़ा होता वो बाद में। लेकिन फर्स्ट लेटर तो सभी में F दिया गया, तो यहां से हम डिसीजन नहीं ले पाएंगे कि डिक्शनरी में सबसे पहले कौन सा अल्फाबेट या कौन सा शब्द आएगा। फिर उसके बाद दूसरे लेटर से यदि हम देखें तो अलग अलग लेटर हो गए चल के। ई हुआ 5 पर, आर 18 पर, एल 12 पर, ओ 15 पर और एल फिर से 12 पर। एल और एल दो बार आए, लेकिन तीन जो थे अल्फाबेट वो अलग अलग थे, 5, 18, 12, 15। हमारे पास अब ये चार नंबर आए तो सबसे पहले तो सबसे छोटा आएगा और सबसे छोटा 5 है और 5 है, तो ये शब्द जो है डिक्शनरी के अकॉर्डिंग सबसे पहले देखा जाएगा। फिर यदि हम इसके बाद डिक्शनरी को देखें तो उसके बाद देखा जाए तो 18, 12, 15, 12। अब देखिए 12 और 12 5 के तुरंत बाद 12 और 12, लेकिन 12 तो दो में आ गया, तो इन दोनों में से दूसरा या तीसरा होगा, तो चौथा और पांचवा कौन सा बचा, ये 15 है, ये 18 है, तो ये चौथे स्थान पर चला जाएगा और दूसरा पांचवें स्थान पर। अब जरूरी नहीं कि हम इस 12 12 का डिसीजन करें, हम यहां से एलिमिनेशन टेक्निक से भी कर सकते थे कि पहले स्थान पर तो आएगा फर्स्ट। ऑप्शन में देखें फर्स्ट 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 फर्स्ट, यहां तक क्लियर नहीं हो पाया। दूसरे और तीसरे स्थान का हमें नहीं पता, लेकिन चौथे और पांचवें स्थान का तो पता लग गया कि सेकंड लास्ट फोर्थ होगा और सबसे लास्ट में 2 आएगा। अब ये दो ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो गए। क्यों? क्योंकि फिफ्थ पर क्या आना था, सेकंड वर्ड आना था,
अब यहां पर देखा जाए तो इसमें भी सेकंड और इसमें भी सेकंड दिया गया। अब हम क्या करेंगे, एल और एल इसका डिसीजन करेंगे, एल और एल दोनों में कॉमन था। फिर इसके अगले लेटर पर हम आएंगे ओ 15 पर, और इससे आगे है यू, यू होता है 21 पर। 15 और 21 में देखा जाए तो छोटा कौन सा होगा, 15 होगा, और छोटा होगा तो ये सेकंड प्लेस पर आएगा, और ये बच गया तो ये अपने आप में थर्ड प्लेस पर आएगा। तो हमारी सीक्वेंस जो बनेगी वो क्या बनेगी, फर्स्ट पे आएगा 1, फिर उसके बाद सेकंड पर क्या आएगा, थर्ड, और फिर उसके बाद थर्ड पे क्या आएगा, फिफ्थ, और फोर्थ पर आएगा 4, और फिफ्थ पर क्या आएगा, सेकंड वर्ड आएगा। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर ये बनेगा 1 3 5 4 2। 1 3 यहां से ही एलिमिनेट हो गया, तो ये एलिमिनेट हुआ 1 3 5 4 2, हमारे क्वेश्चन का आंसर हुआ ए। चलिए बच्चों नेक्स्ट टाइप हम देखते हैं अल्फाबेटिकल सीरीज का। यहां पर इस सीरीज में, इस सीरीज को हम रिपीटेड सीरीज भी बोल सकते हैं। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो एक ही टाइप से आप सभी क्वेश्चन को आराम से सोल्व कर पाओगे। जब भी ये अल्फाबेट्स आए विद ब्लैंक्स आए तो इन्हें विद ब्लैंक्स हम काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। टोटल नंबर ऑफ लेटर्स जो बनेंगे वो कितने बनेंगे, 16। अब इन 16 के मैं फैक्टर बना लूं, 4 by 4, 2 by 8 एंड 8 into 2, क्योंकि 16 के फैक्टर यही बनेंगे। और इसका अर्थ क्या है कि चार चार लेटर के चार पार्ट बनेंगे, दो लेटर के 8 पार्ट बनेंगे, और 8-8 लेटर के 2 पार्ट बनेंगे। और देखिए ना तो सबसे बड़ा और ना ही सबसे छोटा फैक्टर हम यूज करते, हो सकता है कि ये यूज करने पड़े लेकिन बहुत रेयर चांस है, इसलिए एक स्टैंडर्ड जो फैक्टर बनेगा 4 by 4 का उसे हम सबसे पहले अप्लाई करेंगे। 1 2 3 4 ये 4 लेटर्स हो गए, तो मतलब कि एक पार्ट बन गया, और इस तरह करते करते चार पार्ट बन जाएंगे, 1 2 3 4 यहां से ब्रेक कर देंगे, 1 2 3 4 यहां से ब्रेक कर देंगे, और 1 2 3 4 ये 4 by 4 के हमने पार्ट्स बना दिए। अब हम क्या करेंगे कि इनमें सिमिलैरिटी देखेंगे, और इनमें सिमिलैरिटी के बहुत से टाइप होते हैं, जैसे कि हर पार्ट का सेम होना, या फिर अल्टरनेट सीरीज चलना, फर्स्ट का थर्ड से और सेकंड का फोर्थ से कनेक्शन होना, या फिर पहले अल्फाबेट का पहले अल्फाबेट से दूसरे पार्ट के, और हो सकता था कि पहले अल्फाबेट का थर्ड पार्ट के पहले अल्फाबेट से, तो बहुत सारे पैटर्न बनते हैं। सारा जो है प्रैक्टिस पर बेस है ये टॉपिक। अब यहां पर हम क्या करेंगे कि हमें लास्ट यदि हम देखें तो 3 पार्ट में हमारे पास लास्ट है जी जी और जी, तो 90% चांसेस बनते हैं कि इनमें लास्ट का लेटर जो है वो सेम मैच हो गया, तो हो सकता है कि ये सारे के सारे पार्ट भी क्या हो, सेम हो। हम कोशिश करते हैं सारे पार्ट को सेम बनाने की। यहां पर एफ ई जी, ई जी लास्ट में देखिए, ई जी यहां पर, फिर यहां पर फर्स्ट लेटर एच दिया गया, यदि मैं यहां पर एच को फिल कर दूं तो मेरे पास एक 4 लेटर्स की जो है वो कंप्लीट हो गई, एच एफ ई जी। अब हो सकता है यहां पर भी यही बने, एच है हमारे पास, ई और जी भी है हमारे पास, सेकंड लेटर क्या होगा, एफ होगा, फिर यहां पर एच एफ ई जी, एच एफ ई जी, इस प्रकार हमारी ये सीरीज जो है वो कंप्लीट हो जाएगी और चारों पार्ट आपस में सेम हो जाएंगे। जो हमने ब्लैंक फिल किए वो हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेंगे, हमारा आंसर बनेगा एफ एच एफ जी। यदि देखा जाए एफ एच एफ जी ऑप्शन डी में है। देखिए आज हमने अल्फाबेट का टॉपिक कवर किया, और अल्फाबेट के टॉपिक से हमने लगभग सारे के सारे टाइप कवर कर दिए जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। और एक बात आपको बता दूं
कि आपके एग्जाम में अल्फाबेट से मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे। आप इन टाइप की बार बार प्रैक्टिस कीजिए और इन जो ये टाइप हमने करवाए थे इन सभी टाइप की पीडीएफ आपको कल हमारे फेसबुक ग्रुप में मिल जाएगी। सबसे पहले तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। हमारा जो फेसबुक ग्रुप है, एफबी ग्रुप है हमारा, वो है इजी वे टू लर्न, और इसी नाम से हमारा यूट्यूब चैनल भी है। तो आप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्रिप्शन के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हम और भी बहुत सारे टॉपिक जो अपलोड करेंगे वो आप तक आसानी से पहुंच जाएं। आप प्रैक्टिस करते रहिए और हम प्रैक्टिस करवाते रहेंगे। इन सभी टाइप के क्वेश्चन की पीडीएफ आपको कल हमारे ग्रुप से मिल जाएगी, और उस पीडीएफ में यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। हम आपके हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको उसी समय या फिर कुछ समय के अंतराल के बाद जैसा भी उचित होगा आपको प्रोवाइड करवाएंगे। यदि फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप फिर से हमें बता सकते हैं कि हमें इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, तो उस क्वेश्चन का हम वीडियो भी आप तक पहुंचाएंगे। तो बच्चों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।